नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल सप्ताह, जून का अंतिम सप्ताह, संडे टू संडे। तो कैसा रहेगा यह सप्ताह, कहाँ रखनी होगी सावधानी, बात हम कर रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो यदि आप तुला राशि में पैदा हुए, मतलब आप चित्रा में हैं, आप स्वाति में हैं, आप विशाखा के तीन चरणों में हैं, तुला राशि है आपकी। कैसा रहेगा यह सप्ताह, कहाँ रखना होगा ध्यान, डे टू डे रही अपडेट। तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो पराक्रम से स्टार्ट कर रहे हैं, पराक्रम ही रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का अपना नक्षत्र है, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर जा रहा है। प्रसन्नता के साथ चीज़ों को ठीक करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी तरह का तनाव की स्थिति नहीं है। हाँ, कभी होता है कि आपको काम जितना कर रहे हैं उसमें उतना लाभ ना मिले, या हो सकता है, ठीक है ना, होने के लिए या हो सकता है, क्योंकि चंद्रदेव अपने से छठ में जा रहे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है, फिर भी सफलता आपको मिल रही है, तो आज का दिन बेहतर जाएगा। सोमवार का दिन देखें तो सूर्य नारायण का नक्षत्र, सूर्य नारायण आपके लाभेश हैं, तो इस तरह से एक तरह से बनेगा आपकी कुंडली में सेल्फ मेड योग, स्वभुज बल निर्मित योग बनेगा मित्र। तो इस दिन अपने आप को बनाने का दिन है, अपने आप को बना लीजिए। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए पिता या पिता तो लोगों को प्रणाम करके चलिएगा। प्रातःकाल सूर्य नारायण को अर्घ देकर ओम घृण सूर्याय नमः कहते हुए काम स्टार्ट करेगा, सब काम आपके हो जाएंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। 25 को देखें, गणेश चतुर्थी है, और इस दिन जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का स्वतः का नक्षत्र है, और सुख के घर में प्रवेश कर चुके हैं, तो बढ़िया है। सुख के घर में प्रवेश करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी, अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा खाने को, मतलब अच्छा माहौल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन घर के लोग सपोर्ट करेंगे आपको, कुछ आप कहते हैं तो वो सुनेंगे, और आप यदि अच्छे लिसनर रहे तो डेफिनेटली इस दिन आपको यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। यह नक्षत्र नाम ही है श्रवण, श्रवण मतलब दो कान, तो मुंह से कम बोलिए, कान से ज़्यादा सुनिए भाई। अगर आप सुनोगे तो बहुत सी चीज़ें आपके साथ बेहतर हो जाएंगी। भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है, और एक अच्छा लिसनर होने से ही भगवान विष्णु कृपा करेंगे, ठीक। तो इस दिन लिसनर रहिए, चीज़ें बेहतर होंगी, सब लोगों का प्यार स्नेह आपको मिल रहा है। 26 तारीख को देखें तो यह बेहतर दिन है, इसलिए व्यापार के लिए, धनार्जन के लिए, तो एक दिन में तो व्यापार कुछ आप कर नहीं लेंगे, लेकिन इस दिन जो आप व्यापारिक गतिविधियां आपकी रहेंगी वो श्रेष्ठ लाभ देने वाली हैं। निश्चित रूप से इस दिन आपका किया हुआ उपक्रम भविष्य में लाभदायी होगा। धनिष्ठा है, धन है भाई इस नक्षत्र में, तो किसी से धन प्राप्त करना है, किसी से आपको अपना पैसा लेना है, किसी को आपने उधार दे रखा है तो डिमांड करिए, भाई मेरा लौटा दो। यद्यपि इस दुनिया में पैसा देना सबसे खराब चीज़ है, आप देख के देखिए, फिर आप भिखारी की तरह मांगते रहिए। लेने वाला बड़ा आके ना इतना रुदन भाव से लेगा कि आप दे दोगे, लेकिन जब मांगने जाओ दे ही देंगे, लेके भाग जाएंगे क्या, मतलब फिर वो साहूकार बन जाता है। तो इस दिन आप थोड़ा सा दबाव दे के दे दो, नहीं तो देख लेना। तो जब आप दिखा देने के उस पर आ जाओगे तब लोग डाउन हो जाते हैं, इस दुनिया की ये रीति है, जब तक प्रसादम वितरयाम नहीं करेंगे ना तब तक लोग शांति से सुनते भी नहीं। तो 26 को इस तरह की स्थिति बन रही बेहतर है। 27 को आपकी बुद्धि प्रबल है, इन किन प्रकारेण आप काम निकालने में महारत हासिल करेंगे, किसी को कुछ भी आप समझाना चाहते हैं समझा देंगे, जिस भाषा में जो समझेगा उसको उस भाषा में समझा देंगे, ठीक है, बोलेंगे जिस तरह से तुम समझ सकते हो बेटा आ जाओ, मैं तुम्हें उसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चंद्रदेव अब शनि के साथ जाने वाले हैं, ठीक है, हालांकि प्रभाव इस दिन नहीं जाएंगे, देखने के लिए आपको दिखाई देगा लेकिन ये जाएंगे अगले दिन। तो राहु के नक्षत्र में दिमाग बहुत तेज काम करता है, दीवार के उस पार तक देखने की क्षमता आपके पास रहेगी। 28 को शनिदेव और चंद्रदेव इकट्ठा रहेंगे, ठीक, और जो इकट्ठा है ये पंचम भाव में इकट्ठा है, प्रेम में झगड़ा हो सकता है, प्रेम में मलिनता आ सकती है। आप सोच के रखे हैं कि हमारे बाबू छोना मोना हमें प्यार देंगे, हमें पूरा समय देंगे, आप पहुंचे तो पता लगा उस समय ही नहीं दे रहे, जब आपसे हल्की से मुलाकात की बोले काम बहुत है कल आना, होता यही है, जब आप प्रेम कर लो किसी से ना उसके भाव बढ़ जाते हैं। आप देखिए नॉर्मल ढंग से कोई व्यक्ति से आप बात करें ना वो आपको रिस्पेक्ट से बात करेगा, सर, एस, नो, मैडम, जो भी बात करेगा। जैसे आप प्रेम में जाओगे फिर वो आपको आप कहना बंद कर देगा,
नाम से बोलना शुरू करेगा। कुछ दिन और प्रेम में जाओ, फिर तुम तलाक को उतर आएगा। दरअसल होता यह है कि अगला व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार आपको पहचानता है। उसको लगता है कि जिसने हमसे प्यार कर लिया उसकी औकात बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तुम तड़ाक कर सकते हैं। ये प्रेम में अक्सर होता है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होंगी जो मन को थोड़ा सा दुखी कर देंगी। 29 शनिवार सप्ताह के एक दिन पहले इस दिन आप देखें तो शनि के नक्षत्र में चंद्रदेव होंगे। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, बाद में श्रेष्ठता। तो दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे आप अच्छा करना शुरू करोगे, चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। ध्यातव्य रहे, यहाँ पे चंद्रदेव धीरे से छठवें घर में जा रहे हैं। छठवां संघर्ष का है, वर्क प्लेस पे थोड़ा संघर्ष रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके अधिकारी आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। 30 तारीख माशांत अंतिम दिन, नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ है, नक्षत्र धन देने वाला है। 30 दिन आप ऋण रोग परेशानियों से थोड़ा सा मुक्ति पाएंगे, सूत्रों से भी धन ले सकते हैं। अपने बुद्धि कौशल की वजह से, ठीक है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा सप्ताह लगभग श्रेष्ठ फल दे रहा है। एक दिन चंद्रमा के साथ युति, एक दिन राहु के साथ युति बनेगी। तो जब राहु के साथ युति बने तो सावधानी से किसी को पैसा वैसा मत दीजिएगा, लोग बेवजह आपको फंसा सकते हैं। राहु संबंधित चीज़ों का दान करके चलिएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर परिणाम देंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।